हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको लाया हूँ इंडिया के सबसे अच्छे स्टेशन पे, जिसको कमलापति रेलवे स्टेशन बोलते हैं, जो भोपाल में स्थित है। और आज मैं आपको ये रेलवे स्टेशन घुमाने वाला हूँ। चलिए तो फिर चलते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, हम लोग आपको कमलापति रेलवे स्टेशन के अंदर ले चल रहे हैं। और ये कमलापति रेलवे स्टेशन का मेन एंट्रेंस है और यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। ये यहाँ का टिकट काउंटर है। ये आप जो फैन देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा फैन है। और ये यहाँ पे खाने पीने के लिए चीज़ें खोली गई हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा अंदर से। और फिलहाल हम आपको अंदर ले चलते हैं। ये स्टेशन का एंट्रेंस है और चलिए हम आपको स्टेशन के अंदर ले चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अपन चलते हैं अब सेकंड फ्लोर पे। और मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि यहाँ यह स्टेशन इंडिया का सुविधाओं के मामले में एयरपोर्ट के तर्ज पे बनाया गया है। और इस स्टेशन पे आपको एयरपोर्ट की सारी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको एयरपोर्ट पे मिलती हैं। चलिए हम आपको और अंदर ले चलते हैं। ये यहाँ का मेन एंट्रेंस। यह स्टेशन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। इसका पुराना नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, इसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। रानी कमलापति जी गिन्नौरगढ़ की रानी हुआ करती थी, जिसके नाम से इस स्टेशन का नाम रखा गया है। और इसके साथ ही अब नए टिकट रानी कमलापति के नाम से मिलते हैं। दोस्तों, इस स्टेशन में अंदर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे बुजुर्गों के लिए, चाहे आप किसी भी वर्ग के हों। एवं ये स्टेशन आपको पूरे मॉल की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इस स्टेशन में आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी।
दोस्तों इस स्टेशन को पूरी आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है, जिससे यात्रियों को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े एवं प्लेटफॉर्म पर भी इतनी साफ सफाई एवं आधुनिक चीज़ें यहाँ पर जोड़ी गई हैं, जिससे यहाँ पर स्थित स्टेशन पर जो भी ट्रेन का इंतजार कर रहा हो उसको कोई भी असुविधा ना हो। दोस्तों तो ये जो आपको स्टेशन दिख रहा है ये पूरा कमलापति रेलवे स्टेशन है। इसको पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ काफ़ी मज़ा आ रहा है। एक तो यहाँ पर सेंट्रल एसी है और पंखे भी काफ़ी बड़े बड़े लगाए गए हैं और यहाँ का देख के किस कोई बोल ही नहीं सकता है कि ये कोई रेलवे स्टेशन है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे किसी मॉल में आ गए हो बड़ी। लेकिन इंडिया में ये सब चीज़ें देखने के बाद अपने आप में भी एक प्राउड फील होता है कि हमारे इंडिया में भी इस टाइप की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनको देखने के बाद लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे इंडिया में बन रही हैं और वो भी काफ़ी सुंदर बन रही हैं। और ये जो आपको स्टेशन यहाँ दिखाई दे रहा है ये यहाँ का दक्षिणी द्वार है। आप यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 1 पर जा सकते हैं। और ये जो पूरा ऊपर एरिया बनाया गया है ये पूरा एरिया में आकर्षण का केंद्र यही है, यहीं सबसे अच्छा लगता है। बाकी सब जो एरिया है उसको रेनोवेट किया गया है, पुराने स्टेशन को फिर से बनाया गया है और ये पूरा जो बिल्डिंग आपको दिख रही है इसको रेनोवेट नहीं किया गया है, इसको पूरा नीचे स्ट्रक्चर से नया बनाया गया है। चलिए फिर से आपको कमलापति रेलवे स्टेशन की और खूबियाँ दिखाते हैं। चलिए दोस्तों तो मैं आपको इस रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम दिखाता हूँ, जिसको प्रतीक्षालय बोलते हैं। यहाँ का प्रतीक्षालय कैसा है, वेटिंग रूम, और उसमें क्या सुविधाएं दी गई हैं वो भी मैं आपको यहाँ चल के दिखाता हूँ। वो भी ये महिलाओं के लिए वेटिंग रूम है, अभी खाली सा लग रहा है। और यहाँ से भी अभी नीचे जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन में काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं। ओह ये काफ़ी सुंदर रुकने की व्यवस्था है, इसमें अंदर लॉक है। ऐसी चीज़ें लॉक करके ही रखनी पड़ती हैं इंडिया में। नहीं देखिए अंदर पानी की बॉटल है, अभी तक अभी ये खुला होता तो पानी की बोतल कब की पी चुके होते। और काफ़ी मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है। और ये है कमलापति रेलवे स्टेशन। दोस्तों इस पूरे रेलवे स्टेशन को PPP मॉडल पर प्रोजेक्ट के आधार पर बनाया गया है एवं पूरे रेलवे स्टेशन को 90% रेनोवेट किया गया है एवं 10% इसको न्यू डेवलप किया गया है। और दोस्तों ये आपको जो बाहर दुकानें दिखाई दे रही हैं ये दुकानें पहले यहाँ नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये दुकानें अब रेलवे स्टेशन पर हैं एवं रेलवे स्टेशन की सुंदरता काफ़ी बढ़ा रही हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। चलिए दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।